गुड मॉर्निंग. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स. यानी जो आपका सिलेबस है वो चेंज हो गया है, जिसके अंदर मैं आज चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंटीजर्स, इसके बारे में बताने वाला हूँ. तो सभी जो एक्सरसाइज है वो आपको वन बाय वन करके मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा. चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर इंटीजर्स देयर का क्या होता है सबसे पहले आपको वो समझना है. इसके बाद में आपको जो इसके रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है वो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटीजर्स के अंदर समझने से पहले आपको सबसे पहले एक होता है आपका नेचुरल नंबर, बाद में आता है आपका एक होल नंबर, और इसके बाद में आता है आपका इंटीजर्स. इंटीजर्स और नेचुरल और होल नंबर क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी इस प्रकार से जो लाइन होती है होता है आपका जीरो. राइट साइड होता है इसका प्लस के नंबर, जैसे प्लस वन है, प्लस टू है, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, इस प्रकार से ये नंबर आगे तक चलता रहता है. और जो लेफ्ट साइड इसमें आता है आपका वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, इस प्रकार से ये नंबर चलता रहेगा. अभी के अंदर आपको देखना है कि नेचुरल नंबर कौन सा है, होल नंबर कौन सा है और इंटीजर्स कौन सा है. सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की. तो यहाँ से जीरो के आगे के जो नंबर देंगे प्लस के, वन टू थ्री फोर फाइव ले लास्ट तक जो भी नंबर आएंगे, यानी वन से स्टार्ट होगा वो क्या होगा आपका नेचुरल नंबर, और जो जीरो से स्टार्ट होता है वो क्या होगा आपका होल नंबर. और जो देंगे आपके प्लस में और माइनस में, यानी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जो दे रखे आपको, जो जीरो दे रखा है, वो सभी किस में आएंगे आपके इंटीजर्स के अंदर आएंगे. और इंटीजर्स के अंदर आपको देखना है, जैसे यहाँ पे देखा माइनस फाइव और यहाँ पे देखा आपको प्लस फाइव. प्लस का नंबर आपको बड़ा पता है कि ये आपका ग्रेटर नंबर होता है, और इधर से जैसे चलते जाएंगे वो वैसे वैसे ही जो नंबर की जो जैसे माइनस फाइव दे रखा है और माइनस जो वन दे रखा है, तो आपको देखना है कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा और स्मॉल नंबर कौन तो वो आपको देखना है. यानी यहाँ से जो नंबर है वो माइनस वन वो आपका बड़ा नंबर रहेगा, और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे नंबर क्या होता जाएगा आपका छोटा तो जाएगा, यानी इसकी जो नंबर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी. और इस तरफ चलते हैं तो आपकी जो नंबर्स की वैल्यू वो क्या है बढ़ती जाएगी. यानी आपको जीरो से इधर देखना है, इधर वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, और इस तरफ चलते तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या है जाएगी, यानी माइनस में नंबर चलता जाएगा. अगर आपको बोला जाए कि माइनस फाइव एंड माइनस वन, इन नंबर्स के अंदर आपको देखना है नंबर कौन सा है. स्मॉल नंबर देखने के लिए आपको इस प्रकार से देखना कि यहाँ पे वन है तो ये स्मॉल नंबर आपका वन हो गया. इस प्रकार से आपको नहीं करना है. अगर आपने कोई इसमें लेस देन और ग्रेटर देन साइन करना होगा तो आपको क्या करना है, माइनस जो फाइव है माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही क्या होती है कम होती है, और माइनस के अंदर जो नंबर जितना छोटा उसकी वैल्यू अधिक रहती है. तो दोनों के अंदर आपको अगर बताना हो तो नंबर कौन सा आपका ग्रेटर नंबर है या स्मॉल नंबर है, तो आपको क्या करना है, जो माइनस वन है वो क्या आपका नंबर है और माइनस फाइव है वो आपका स्मॉल नंबर हो जाएगा. ये सभी नंबर इंटीजर्स है, और किस प्रकार से इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड किया जाता है तो उन नंबर्स के बारे में अपन समझेंगे. सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की. एडिशन के अंदर जैसे कुछ भी नंबर आप राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने राइट के लिए यहाँ पे माइनस एट और प्लस करते हैं किसी भी नंबर से करते हैं, या तो इंटीजर्स नंबर ले सकते हो, दोनों माइनस के हो सकते हैं, या एक नंबर अगर प्लस का भी ले सकते हैं. यहाँ पे राइट किया फाइव, प्लस करेंगे तो ऐड करना आपको, तो यहाँ पे एक नंबर माइनस में दे रखा और एक नंबर आपको प्लस में दे रखा है. तो आपको पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था कि जो प्लस माइनस के जो साइन होते हैं वो किस प्रकार से यूज किया जाता है, यानी एक नंबर अगर प्लस का होता है और एक नंबर आपका माइनस का होता है, तो आपको क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है. तो 8 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का दे रखा है आपको, 3 का दे रखा है. आपको डिफरेंस फाइंड करना है, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, तो वो आपको देखना है. नंबर आपका 8 माइनस में दे रखा तो आपको ये नंबर जो है किसमें आएगा, माइनस में आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर मान लो माइनस 7 है और माइनस 2 है, माइनस और माइनस दोनों नंबर सेम दे रखे, तो मैंने बोला था जब सेम के साइन होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं. प्लस क्योंकि तो प्लस का आएगा और माइनस के होते हैं तो माइनस का आएगा, तो माइनस का नंबर माइनस का तो माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन दोनों नंबर क्या होंगे,
ऐड होंगे। डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, डिफरेंस तब देखा जाता है जब दोनों नंबर अलग अलग साइन के हो, यानी एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का हो। यहाँ पे सेवन यहाँ पे टू दे रखा, दोनों मिला के हो जाएगा टोटल 9, तो -9 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, 12 दे रखा है, प्लस माइनस करना इंटीजर्स, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 4, तो ये 12 किस में दे रखा आपको, प्लस में, और ये किस में दे रखा 4 माइनस में। तो एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, चाहे यहाँ किसी ने आपका माइनस का हो या चाहे प्लस का हो, आपको वो नहीं देखना है। एक नंबर प्लस का और एक नंबर आपको माइनस का दे रखा, तो दोनों क्या देखना आपको, डिफरेंस क्या दे रखा है यहाँ पे 8। चिन्ह किसका आएगा, बड़ा नंबर आपका प्लस में दे रखा तो चिन्ह आपका प्लस का आएगा, यानी प्लस का 8 आंसर इसका हो जाएगा। तो ये थे इंटीजर्स एडिशन के लिए। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन के लिए अगर सोल्व करना हो इनको, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करेंगे, जैसे इंटीजर्स लेता हूं मैं यहाँ पे -4 है और माइनस करना है जैसे 5 को, प्लस का 5 है यहाँ का और ये प्लस का, तो आपको पता है -4 प्लस माइनस ब्रैकेट रहेंगे तो प्लस माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस प्लस माइनस -5, सेम ये कंडीशन हो गई आपकी। तो -4 5 मिला के हो जाएगा -9। और अगर कोई और नंबर लेता हूँ मैं दोनों इंटीजर्स, जैसे आपको हो गया 3 -5, इनमें से आपको 5 लेस करना, तो क्या आएगा आंसर आपका, यानी प्लस का और ये माइनस का दोनों बीच का डिफरेंस क्या आपका 2, बड़ा नंबर आपका माइनस का तो माइनस का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से लेना चाहिए इसका, जैसे माइनस का 5 है, माइनस करना आपको माइनस के, यही कोई इंटीजर्स लेते हैं 6 नंबर, तो यहाँ पे आपको माइनस का दिया गया, ये भी माइनस का, दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस देगा, तो ब्रैकेट जाएंगे तो माइनस माइनस मिला के जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 6। अब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, तो दोनों के बीच का क्या देखा जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस है दोनों के बीच में 1 का। बड़ा नंबर आपका प्लस में दे रखा है, पॉजिटिव नंबर है जो आंसर है वो आपका रहेगा प्लस में। तो ये था सब्ट्रैक्शन के लिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई भी इंटीजर्स है, जैसे -5 मल्टीप्लाई माइनस, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 4 होगा आपका 20। पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो 3 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 12। अगर एक इंटीजर आप माइनस में लेते हो, जैसे माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2 12 प्लस माइनस, या पहला नंबर आपका प्लस में दे रखा है, सेकंड आपका माइनस में दे रखा है, तो 5 3 15 प्लस माइनस माइनस, आप इनको सोल्व कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो गया। अब बात करते हैं डिवाइड के अंदर। डिवाइड के अंदर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है माइनस का 15, डिवाइड आपको 3 का, यानी -15 में आपको डिवाइड देना है 3 का, हो जाएगा 3 5 15, माइनस दे रखा तो आपको माइनस ऐड करना है। अगर कोई नंबर डबल नंबर दिया गया, जैसे माइनस का 20 है, माइनस का 5 है, या तो इस प्रकार से राइट किया जाएगा, या डिवाइड देना है आपको -5 का, तो क्या करना आपको 20 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 5 5 4 20, यानी 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये तो था जो मैंने आपको बताया इंटीजर्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा।